दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज का जो वीडियो है हमारा सक्कसन के ऊपर है। तो ये पोटेंटाइजेशन जो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था, इसका लास्ट वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने चार वीडियो डाल दिया पहले। तो सक्कसन टॉपिक का आज हमारा क्या है, लास्ट वीडियो। तो सक्कसन क्या होता है? सक्कसन इज अ प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन फॉर लिक्विड सॉल्युबल ड्रग। हम लोग टाइचुरेशन में देखे थे कि जो ड्रग लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होता है, उसके पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस को टाइचुरेशन कहा जाता है। तो उसी तरह जो ड्रग लिक्विड में सॉल्युबल होता है, उसके पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सक्कसन, यानी कि पोटेंटाइजेशन ऑफ फॉर लिक्विड सॉल्युबल ड्रग। क्योंकि ड्रग लिक्विड में इजिली सॉल्युबल होता है, उसके पोटेंटाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सक्कसन, ठीक है। तो सक्कसन में क्या करना पड़ता है? तो सक्कसन अंडर तीन स्केल होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग सेंटिसिमल स्केल अंडर सेंटिसिमल। तो सेंटिसिमल स्केल के अंदर हम कैसे करेंगे? तो सेंटिसिमल स्केल के अंदर करने का क्या प्रिंसिपल होता है इसका, कि वन पार्ट ऑफ ड्रग, वन पार्ट ऑफ ड्रग इज टू 99 पार्ट ऑफ व्हीकल। यानी कि हम क्या करेंगे, वन पार्ट ड्रग का ले लेंगे, लिक्विड सॉल्युबल ड्रग, और उसमें 99 पार्ट व्हीकल। कैसा व्हीकल ऐड करेंगे भैया? तो लिक्विड व्हीकल। तो लिक्विड व्हीकल क्या होता है? दो होता है, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर और दूसरा होता है एल्कोहल। डिस्टिल्ड वाटर और एल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, वन पार्ट ड्रग लेंगे और उसमें 99 पार्ट लिक्विड व्हीकल को ऐड कर देंगे। किस में लेंगे? ग्लास फाइल। और क्या करेंगे? 10 डाउन स्टॉक देंगे। कितना देंगे? 10 डाउन स्टॉक। तो हमारा 1C हमारा क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, 1C गेट फॉर्म। फिर 1C से 2C बनाने के लिए क्या करेंगे, वन पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पोटेंसी, वन पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पोटेंसी इज टू 99 पार्ट ऑफ द व्हीकल। यानी कि अगर 2C बनाना है तो वन पार्ट हम ले लेंगे 1C से और उसमें 99 पार्ट लिक्विड व्हीकल ऐड करके 10 डाउन स्टॉक दे देंगे। फिर 3C बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि 2C का वन पार्ट ले लेंगे और उसमें 99 पार्ट व्हीकल का एडिशन कर दें। इस तरह हमारा सेंटिसिमल स्केल में सक्कसन किया जाता है। फिर सेंटिसिमल स्केल के बाद क्या आता है? डेसिमल स्केल अंडर डेसिमल स्केल। तो डेसिमल स्केल का क्या है? डेसिमल स्केल का है कि द ड्रग व्हीकल रेशियो शुड बी, ड्रग व्हीकल रेशियो शुड बी रेशियो शुड बी 1:9। इसमें याद रखना है कि जैसे टाइचुरेशन में हम लोग 99 को डिवाइड करते थे 33, वैसा इसमें नहीं करना है। सिंपल वन पार्ट ड्रग ले रहा है और 99 पार्ट उसमें व्हीकल को ऐड करके 10 डाउन स्टॉक उसको देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, वन पार्ट ड्रग और उसमें क्या करेंगे, 9 पार्ट लिक्विड व्हीकल को ऐड कर देंगे, ठीक है। वन पार्ट ड्रग लेंगे और 9 पार्ट लिक्विड व्हीकल को ऐड कर देंगे। तो और फिर क्या करेंगे, 10 डाउन स्टॉक दे देंगे। 10 डाउन स्टॉक देने के बाद क्या होगा, जो वन पार्ट ड्रग लेंगे, 9 पार्ट व्हीकल लेंगे और उसको 10 डाउन स्टॉक दे देंगे। तो 10 डाउन स्टॉक देने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 1x बन जाएगा। तो डेसिमल स्केल का डेजिग्नेशन क्या होता है, x, 1x क्या हो जाएगा हमारा, गेट फॉर्म। फिर 1x से अगर हमको 2x बनाना है तो क्या लेंगे, वन पार्ट फ्रॉम 1x, 9 पार्ट लिक्विड व्हीकल प्लस 10 डाउन स्टॉक, ठीक है। तो वन पार्ट लेंगे 1x से, उसमें 9 पार्ट व्हीकल ऐड करेंगे और उसको 10 डाउन स्टॉक दे देंगे। तो हमारा 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, 2x। इस तरह 3x 4x। तो इसका क्या होता है प्रिंसिपल, कि वन पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पोटेंसी, कितना लेना है, वन पार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पोटेंसी या फिर प्रीवियस पोटेंसी इज वन पार्ट ऑफ प्रीवियस पोटेंसी एडेड टू द 9 पार्ट ऑफ व्हीकल, 9 पार्ट ऑफ व्हीकल एंड 10 डाउन स्टॉक शुड बी गिवन, ठीक है।
तो अब इस टॉपिक में कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग को देख लेना ताकि हमको कन्फ्यूजन नहीं। तो पहला स्पेशल टर्म्स क्या हमारा, फ्लक्शन पोटेंसी। पहला स्पेशल टर्म हमारा क्या है, फ्लक्शन पोटेंसी। तो फ्लक्शन पोटेंसी क्या होता है, जब भी किसी सॉलिड पोटेंसी को लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट किया जाए, सॉलिड पोटेंसी इंटू लिक्विड पोटेंसी। एग्जाम्पल के लिए सेंटिसिमल स्केल में हम लोग 3C को 4C में कन्वर्ट करते थे, डेसिमल स्केल में 6X को 8X में कन्वर्ट करते थे। जब भी सॉलिड पोटेंसी लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट होगा उसको फ्लक्शन पोटेंसी कहा जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, जंपिंग पोटेंसी। दूसरा क्या है, जंपिंग पोटेंसी। जंपिंग पोटेंसी क्या होता है कि जब 6X से डायरेक्ट 8X बना दिया जाता है डेसिमल स्केल में, बिना 7X को बनाया हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग पोटेंसी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग पोटेंसी, ठीक है। क्यू पोटेंसी क्या होता है, जब 50 मिलीसीमल स्केल का यूज होता है तो उसमें जो पोटेंसी बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू पोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। जंपिंग पोटेंसी और फ्लक्शन पोटेंसी में कोई टेंशन नहीं है, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा फ्लक्शन पोटेंसी का, चाहे वो कोई भी स्केल में। लेकिन जंपिंग पोटेंसी हमेशा डेसिमल स्केल में होगा, क्योंकि यहाँ पर 7X का फॉर्मेशन नहीं होता है, 6X से डायरेक्ट 8X में हम लोग जंपिंग पोटेंसी भी सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने में ही होता है। सॉलिड 6X को जब लिक्विड 8X बना दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंपिंग, एक छोड़ के चला गया, ठीक है। क्यू पोटेंसी क्या होता है, जब 50 मिलीसीमल स्केल में कोई चीज़ का यूज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 50 मिलीसीमल पोटेंसी। बैक पोटेंसी क्या होता है कि जो भी फ्रीक्वेंटली यूज पोटेंसी होता है उससे दो तीन पोटेंसी पहले को हम लोग बैक पोटेंसी बोलते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंटली यूज पोटेंसी 30 होता है, 30 बहुत सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है 30, तो उससे पहले जो 29 होगा, 28 होगा, 27 होगा, ये क्या हो जाएगा, उसका बैक पोटेंसी। जैसे मान लीजिए 200 है तो 200 का बैक पोटेंसी क्या हो जाएगा, 199C, 198C, 197C, ठीक है। तो बैक पोटेंसी क्यों लिया जाता है, ताकि 29 से अगर हम खरीद के रख लेंगे तो हमको 30C हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। स्ट्रेट पोटेंसी क्या होता है, स्ट्रेट पोटेंसी डॉक्टर ब्रॉड के द्वारा दिया गया था, जिससे कि क्या था कि 6X से डायरेक्ट 7X का फॉर्मेशन होता है, जैसे 3C से 4C, 4C से 5C, 5C से 6C, तो इस तरह के पोटेंसी को स्ट्रेट पोटेंसी बोला जाता है। और एक होता है जिंसिंग पोटेंसी। जिंसिंग पोटेंसी क्या होता है, तो जिंसिंग पोटेंसी में ऐसा माना जाता है कि कोई भी मेडिसिन को, लिक्विड पोटेंसी वाले मेडिसिन को अगर हम 10 डाउन स्टॉक देते हैं तो उसका डायनेमिक पावर 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है, तो इसी को जिंसिंग पोटेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, तो हमारा पोटेंटाइजेशन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चैप्टर्स के नोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।